मैं बंगाली नहीं जानता हूँ, लेकिन सवाल समझ गया सर, अभी बंगाली समझ गया, गायक कोई समझ गया, मेरे बंगाली टीवी के ऊपर डबिंग आती, लोग समझते बंगाली जानता हूँ मैं, लेकिन ये सवाल समझ गया मैं अल्हम्दुलिल्लाह। भाई साहब का सवाल है कि मुसलमान बनने के लिए क्या गाय का गोश्त खाना जरूरी है और खतना करना जरूरी है क्या? ये पहला सवाल मैं जवाब दे चुका हूँ कि गाय का गोश्त खाना फर्ज नहीं है, अगर आपको पसंद है तो खा सकते, नहीं पसंद तो नहीं खाइए, फर्ज नहीं है। आप 100% अच्छे मुसलमान बन सकते शाकाहारी होने के बाद भी, फर्ज नहीं है। यहाँ तक दूसरा सवाल है कि खतना करना जरूरी है, खतना करना एक अहम सुन्नत है, सुन्नत मौकदा है, अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई ये कहता है कि अगर मैं खतना नहीं करूँ तो मुसलमान बन सकता हूँ, हाँ बन सकते हैं, खतना करना अच्छी बात है, उसे कई फायदे हैं, मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, उससे कैंसर ऑफ पीनस नहीं हो सकता है, उसमें फाइमोसिस नहीं हो सकता है, कई अच्छी चीजें हो सकती है, कई फायदे हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई इंसान डरता है और कहता है कि मैं खतने की वजह से अगर इस्लाम नहीं कबूल करना चाहता हूँ, क्या मैं इस्लाम कबूल कर सकता हूँ? कर सकते, आप विदाउट खतना करके भी इस्लाम कबूल कर सकते, कम अज कम इंशाल्लाह शेख से बचेंगे।